हेलो डियर लर्नर्स इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे एसेसरी डाक्ट्स इन मेल मींस ह्यूमन में कौन कौन सी एसेसरी डाक्ट्स मिलती हैं तो एसेसरी डाक्ट्स जो स्टोर करती हैं स्पम को और स्टोर करने के साथ साथ हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे द पाथवे ऑफ स्पम कि स्पम बनते तो कहाँ पर हैं टेस्टिस में और टेस्टिस में बनने के बाद में इसका क्या पाथवे होता है एसेसरी ये एसेसरी डक्ट्स ये पास करती हैं स्पम को फ्रॉम टेस्टिस एक्सटर्नल जेनिटेलिया और फाइनली ये इजेकुलेट करती है स्पम को तो एसेसरी डक्ट्स ये होती हैं रेटी टेस्टिस वासा एफरेंसिया, एपिडाइडेमिस एंड वास डिफरेंस। तो आप डायग्राम में देख सकते हैं कि चारों ही डग ये पास करती हैं इस पम्प को तो ये है हमारे पास में टेस्टिकुलर लॉब्यूल और टेस्टिकुलर लॉब्यूल इससे कनेक्टेड होता है रेटी टेस्टिस इसके बाद वासा एफरेंसिया, वासा एफरेंसिया से कनेक्टेड होता है एपिडाइडेमिस और इसके बाद वास डिफरेंस तो इसमें दो इंपॉर्टेंट डक्ट्स हैं एपिडाइडेमिस एंड वास डिफरेंस। एपिडाइडेमिस, दे आर टाइटली कोल्ड डकट्स जस्ट आउटसाइड द टेस्टिस तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आउटसाइड द टेस्टिस यहाँ पर ये यह होती हैं हाईली कोइल्ड, जस्ट आउटसाइड द टेस्टिस और ये स्पम को करती हैं मैच्योर और जब स्पम होता है मैच्योर फॉर स्विम टू एग किता है स्टोर इन एपी डाइडेमिस वास्ट डिफ्रेंस वास्ट डिफ्रेंस ये होती है ट्यूबलाइट स्ट्रेक्चर और यह ट्यूबलाइट स्ट्रेक्चर लीड करती है कहां से फ्रॉम एपीडाइडेमिस तो देख सकते हैं कि एपीडाइडेमिस से कनेक्टेड होती है और एपीडाइडेमिस से कनेक्ट होकर ये कनेक्ट होती है यूरिथ्रा से और यहाँ पर बहुत सारे स्पम कुछ समय के लिए स्टोर किए जाते हैं मूवमेंट ऑफ स्पम कि ह्यूमन में स्पम का मूवमेंट कैसे होता है तो ये बनते कहाँ पर हैं टेस्टिस में और टेस्टिस में कहाँ पर टेस्टिकुलर लॉब्यूल के सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में।, तो में बनने के बाद ये पास होते हैं रेटी टेस्टिस में रेटी टेस्टिस के बाद वासा वास्फ्रेंसिया एपिडाइडेमिस एपिडाइडेमिस के बाद वास डिफरेंस और वास डिफरेंस आप देख सकते हैं कि ये वास डिफ्रेंस ये कनेक्टेड होती है कुछ हद तक यहां पर किससे सेमिनल वेसाइकल ग्लैंड से तो यहां पर ये सेमिनल वेसाइकल के साथ कनेक्ट होती है वास डिफ्रेंस और थ्रू इजेकुलेटरी डक्ट बॉडी से बाहर रिलीज होता है इस टॉपिक से भी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि व्हाट इज द रोल ऑफ एपिडाइडेमिस एंड वास डिफरेंस और साथ में मूवमेंट ऑफ स्पम। तो लर्नर्स अगर आपका कोई डाउट या कोई सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा थैंक्स फॉर वॉचिंग प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल बायोलॉजी एकेडमी।